इस वक्त आलू रतलाम से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जी हां, लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई करते हुए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर मांगीलाल चौहान को बैंक कैबिन रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यहां हम आपको बता दें, आवेदक बाबू सिंह रेवड़ निवास पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन को शिकायत की थी। उसने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा आलोट जिला रतलाम से केसीसी और ऋण स्वीकृत कराया था। जब वह ऋण की राशि निकालने बैंक गया तो बैंक मैनेजर मांगीलाल चौहान द्वारा लोन स्वीकृत कराने के नाम पर आवेदक से 15,000 रुपए रिश्वत मांगी गई। इसकी शिकायत आवेदक बाबू सिंह ने लोकायुक्त टीम को कर दी। लोकायुक्त टीम ने ट्रैप प्लान बनाया और मांगीलाल चौहान को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।